अस्सलाम वालेकुम मैडम बेटा, हम लोग जो है 12:15 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैं जब तक वेट कर लेती हूँ, बाकी बच्चे भी आते हैं। आपको आवाज़ मेरी क्लियर है ना? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साहब की आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो हमारी क्लास टाइमिंग 12:15 थी, हम 12:15 से स्टार्ट करते हैं, सही? ओके।
अच्छा मैडम, आपको ये नज़र आ रही होगी, इसके मैंने शेयर की स्क्रीन। जी मिस, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत गूंज रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा। चलो सही है, मैं जरा ये दो रुपये। अच्छा मैडम, आप मुझे बताओ, अब वॉइस कुछ बेटर हुई? चलो जी मिस, अगर तुझे इनकन्वीनियंस लगी है वॉइस में तो मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा मुझे एक और चीज़ ओके। बताइए कि बाकी क्लासेस में और कौन कौन बच्चे प्रेजेंट होते? मिस बाकी क्लासेस में अनमता, रबिया और मैं। अच्छा चले, आज जो है मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन कोर्सेज जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। आपका जो सब्जेक्ट है वो इंटरनेशनल बिजनेस का है, ठीक है? तो हम इसमें जो है इंटरनेशनली जो भी हमारी ट्रेडिंग होती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर न्यू टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन कोर्सेज, ठीक है? जी आप सबसे पहले हमें जो है नीड है कि ये मालूम करने की ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन वो चीज है जो आप ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है एक काम कर रहे होते हो, वर्ल्ड वाइड जो काम कर रहे हो उसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, इसमें हम क्योंकि ट्रेडिंग की बात करेंगे कि भाई कोई चीज बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं विद इन नॉट विद इन द कंट्री बट ओवरऑल दी वर्ल्ड, ठीक है? यानी हमारी जो इकोनॉमी है हर कंट्री की वो दूसरी इकोनॉमी से इंटरडिपेंडेंट है यहाँ, ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादा सी बातें, काफ़ी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में ऐसी बातें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोड्यूस नहीं होती और हम उसको इंपोर्ट करते हैं। इन दिस वे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान से कहीं और जो है वो एक्सपोर्ट हो रही होती है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट देयर इज द इंटर डिपेंडेंसी फ्रॉम वन इकोनॉमी टू अनदर वन इकोनॉमी, ठीक है? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। आई यू गेटिंग इट? जी मिस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या होता है कि ना सिर्फ ग्लोबलाइजेशन में हम गुड्स और सर्विसेज जो होती है वो क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, बल्कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैपिटल की भी इनफ्लो और आउटफ्लो हो रही होती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है? किस तरह से हो रही होती है, आपने देखा होगा काफी ममालिक ऐसे हैं, पाकिस्तान खुद एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज भी है, ठीक है? तो मल्टीनेशनल कंपनीज कहाँ की होती है, फॉरेन कंट्रीज जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जब हमारे कंट्री में करते हैं और कोई स्पेसिफिक कोई कंपनी ओपन करते हैं तो वो कंपनी कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी। क्यों? क्योंकि वो एक किसी कंट्री में स्पेसिफिकली नहीं होती बल्कि वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, ठीक है? यानी वो टू और मोर देन टू कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है? अच्छा यहाँ पर एक डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की, कि ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चरल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द चेंजिंग। मुझे एक मिनट दीजिएगा। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बताई जा रही है कि हम ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, हमारी इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, सोशल जो हमारी सोशल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, एजुकेशन लिटरेसी और जो है वेलफेयर बिल होना, ठीक है? इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है आप देखते हो कि वो ग्लोबलाइज हो गई है, क्योंकि आपने देखा है कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और कुछ कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको नीड होती है टेक्नोलॉजी की, तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरे कंट्री से उस चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं और इन दिस वे जो है तमाम कंट्रीज जो है दुनिया के
तमाम ममालिक जो है वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है इन ग्लोबलाइजेशन एक्टिविटी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन द ग्रोइंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड। बेटा इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कनेक्टिविटी, ठीक है, वही इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि एक दूसरे से जो है ग्रोइंग होती जा रही है हमारी इंटरडिपेंडेंसी इन द शेप ऑफ इकोनॉमी और सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, सही। तो ये डेफिनेशन जो है आप जब लिखते हो ना, जब एग्जाम में भी लिखते हो तो आपको चाहिए कि अगर आपको याद रह जाए तो जैसे कि जिस सोर्स से आपने वो डेफिनेशन उठाई है आप उस सोर्स को भी मेंशन कर दो तो वो और ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रेड की और इंटरनेशनल ट्रेड की। सो वी ऑल नो अबाउट द ट्रेड दैट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ट्रेड क्या होती है कि हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। हमारे मार्केट में हम जब जाते हैं तो हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो दैट बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड ट्रेड। ठीक है, एंड इफ आई पुट हियर एडिशनल वर्ड इंटरनेशनल, तो इट मीन्स कि हम जो भी चीज़ बाय और सेल कर रहे हैं वो इंटरनेशनली कर रहे हैं, यानी नॉट ओनली आवर ओन कंट्री बट ऑल्सो फ्रॉम द अनदर वन कंट्री। ठीक है, तो हेयर वी आर एक्सचेंजिंग द गुड्स और सर्विसेज और वी आर बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज अमंग और बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की दो टाइप्स हैं, एक बायलेटरल ट्रेड है जो कि आपको नाम से पता चल रहा है, बाय मतलब टू, यानी कि वो ट्रेडिंग इंटरनेशनली जो कि हम बिटवीन टू कंट्रीज करते हैं। ठीक है, यानी मैं पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से ट्रेडिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल ट्रेडिंग। बट इफ आई एम डूइंग द ट्रेडिंग विद मोर देन टू कंट्रीज सो इट मीन्स दैट इट इज मल्टी लेटरल ट्रेड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मल्टी लेटरल ट्रेड कहेंगे, जिसमें मैं दो से ज्यादा कंट्रीज को ममालिक को जो है वो शामिल करके उनके साथ सबके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ना जब हम बात करते हैं ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड की, तो यहाँ पर कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन दैट पॉलिसीज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसीडर्ड। तो सबसे पहले ये कि ट्रेड पॉलिसीज क्या होती हैं। तो पॉलिसीज का आपको नाम समझ में आता होगा कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन की कलेक्शन है। ठीक है, कि आप जब भी इंटरनेशनली ट्रेड करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, कुछ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं कि आप उन चीज़ों को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हो, और अदरवाइज अगर आपने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए तो यू विल बी पेनलाइज और यू विल बी गेट एनी पनिशमेंट अगेंस्ट दैट एक्ट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, एंड एवरी नेशन हैज सम फॉर्म ऑफ ट्रेड पॉलिसी इन प्लेस। ठीक है, वो तमाम कंट्रीज जो कि इंटरनेशनली इंगेज हैं ट्रेडिंग से, या फिर मल्टी नेशनली या ग्लोबली इंगेज हैं ट्रेडिंग से, उन तमाम कंट्रीज की ट्रेड पॉलिसी होती है कुछ ना कुछ उनके कंट्री के अकॉर्डिंगली, विद पब्लिक ऑफिशियल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी विच दे थिंक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर देयर कंट्री। ठीक है, द पर्पज ऑफ द ट्रेड पॉलिसी इज टू हैव अ नेशन इंटरनेशनल ट्रेड रन मोर स्मूथली। ठीक है, तो यहाँ पर पर्पज यही होता है कंट्री के ट्रेड पॉलिसी को सेट करने का, ताकि उनका जो ट्रेडिंग है वो बहुत स्मूथली चल सके। ठीक है, नाउ देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी, देयर आर सेवन मेन इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट इज टैरिफ, देन सब्सिडीज, इम्पोर्ट कोटा, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, लोकल कॉन्टेंट रिक्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। अच्छा, क्योंकि याद रखिएगा हम जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, और अब यहाँ पर हम ट्रेडिंग की भी बात करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी की भी बात करेंगे, हम चैलेंजेस जो हैं उनकी भी बात करेंगे, तो सबकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करने जाते हैं तो कुछ ट्रेड पॉलिसीज होती हैं, और वो ट्रेड पॉलिसीज क्या होती हैं और हम किस तरह से उन ट्रेड पॉलिसीज को मेजर करते हैं। लेट सपोज कि मैंने कहा कि मेरे पाकिस्तान में ट्रेड पॉलिसीज हैं, तो आप पूछोगे कि ट्रेड पॉलिसीज क्या होती है और हमारे कंट्री में कौन कौन सी ट्रेड पॉलिसीज है। ठीक है, सो हियर आर सम ट्रेड पॉलिसीज। फर्स्ट इज टैरिफ, नाउ ओवरलुक इट। टैरिफ क्या होता है बेटा, टैरिफ वो टैक्स होता है क्योंकि आप कभी कोई गुड्स या सर्विसेज इम्पोर्ट करते हो तो उस पर जो टैक्स लगता है दैट टैक्स इज कॉल्ड टैरिफ। ठीक है, और ये टैरिफ जो है
क्यों लगाया जाता है? जब कंट्री को लगता है कि लोगों ने या फिर हमारे कंट्री की जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने या फिर वहाँ के प्रोड्यूसर्स ने जो है इम्पोर्ट करना ज़्यादा शुरू कर दिया है कंपैरेटिवली कि वो अपने कंट्री में बनाए वो चीज़ और एक्सपोर्ट भी करें, तो वो क्या करते हैं टैरिफ लगाना शुरू कर देते हैं और हाई टैरिफ लगाना शुरू कर देते हैं ताकि लोग जो है डिस्करेज होकर अपने लोकल प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दें। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये पर्पस क्यों होता है टैरिफ का? इसलिए होता है क्योंकि जब कंट्री को लगता है कि लोगों को लाइक अगर मैं बात करूँ चाइना के प्रोडक्ट की, ठीक है, तो चाइना के प्रोडक्ट बहुत चीपली अवेलेबल होते हैं हमें, तो हमारे जो पीपल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है क्योंकि हमारे पॉवर्टी रेट ज़्यादा है तो हमारे यहाँ की आवाम जो है वो ज़्यादा प्रिफेयर करती है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदे क्योंकि वो कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव होते। ठीक है, लेकिन अब अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे कि नहीं जो है पाकिस्तान का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदे और जो है चाइनीज प्रोडक्ट को ना खरीदे, तो वो क्या कर सकता है इसमें, वो टैरिफ जो है वो इम्पोज कर सकता है चाइनीज प्रोडक्ट में। ठीक है, वो इतना हाई टैरिफ इम्पोज कर दे कि वो लोकल जो भी आपको अगर 100 रुपये की मिल रही है और चाइनीज प्रोडक्ट आपको 5 रुपये का मिल रहा था, लेकिन उसमें टैरिफ इतना हाई हो जाए कि वो चाइनीज प्रोडक्ट आपको टैरिफ पे करने के बाद 120 रुपये का मिले, तो आपके लिए फिर लोकल प्रोडक्ट जो है वो सस्ता हो गया जो कि 100 रुपये में आपको मिल रहा है। ठीक है, इन दिस वे सब्सिडी, बेटा सब्सिडीज क्या होती है हमेशा याद रखिएगा, सब्सिडी एक ऐसी चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे यहाँ जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कि हम उसको अपनी पॉपुलेशन को भी दे सकें और बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकें, तो उसके बिहाइंड ये रीजन्स होते हैं कि यहाँ पर जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कमी होती है या बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, तो दैट्स वाई प्रोड्यूसर्स आर डिस्करेज टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन तो अवॉइडिंग दिस हैपनिंग गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज क्या होती है, लाइक अगर मैं बात करूँ एक फर्टिलाइजर की बोरी, ठीक है, एक यूरिया खाद की बोरी की मैं बात करती हूँ कि अगर वो 1000 रुपये की बोरी है, ठीक है, और फार्मर्स चाहते हैं कि उन वो खरीद रहे हैं फार्मर्स, लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद रहे कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, तो यहाँ पे क्या होगा गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे देगी कि वो 1000 रुपये की एक बोरी जो है फार्मर्स को 600 रुपये की दी जाए, बाकी की 400 रुपये गवर्नमेंट खुद पे ऑफ करेगी। ठीक है, तो इस तरह से कंसेशन मिल जाता है बायर्स को जब गवर्नमेंट जो है सब्सिडी लगाती है किसी एनी प्रोडक्ट पे। ठीक है, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सिडी इज अ गवर्नमेंट पेमेंट टू अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, सब्सिडी टेक्स मैनी फॉर्म इंक्लूडिंग कैश ग्रांट, लो इंटरेस्ट टैक्स ब्रेक एंड गवर्नमेंट इक्विटी पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक एंड गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स इन टू वे। अच्छा, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सब्सिडी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे कैश ग्रांट का मैंने आपको बता दिया कि एक चीज 1000 रुपये की है तो आपको 600 रुपये की मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। ठीक है, लाइक आटा जो है आटा आटे की बोरी अगर 1000 रुपीज़ के लेट सपोर्ट, ठीक है, और जो है यहाँ पर इश्यूज हो रहे हैं लोगों को आटा खरीदने में, लोगों के पास इतना नहीं है पैसा कि वो आटा इतने महंगा खरीद सके, तो गवर्नमेंट जो है वो उस पर सब्सिडी लगा दे कि ईच जो वीट की जो भी बोरी होगी वो 600 रुपीज़ की मिलेगी, तो प्रोड्यूसर जो होंगे वो बोलेंगे कि भाई हमें लॉस होगा, हमारी 1000 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है आप लोगों को 600 रुपये के देंगे, बाकी के 400 रुपये हम पे करेंगे आपको। ठीक है, इन दिस में लो इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर यही सब्सिडी समटाइम्स ऐसा होता है बोरोइंग में जो है सब्सिडी जो दी जाती है वो ऐसी होती है कि गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि भाई इंटरेस्ट रेट को लो कर दिया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग करें और उस बोरोइंग के पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाएं। ठीक है, इसी तरीके से सब्सिडी जो है वो टैक्स पे दी जा सकती है, जैसे मैंने ऊपर टैरिफ की बात की थी कि गवर्नमेंट जो है वो हाई टैरिफ इम्पोज कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ अवॉइडिंग द इम्पोर्ट, तो जो है गवर्नमेंट अगर चाहे कि भाई या गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो कि नहीं ये चीज़ हमारे ममालिक में नहीं बन रही है और वी हैव टू इम्पोर्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी बिकॉज ये नीड है हमारी कि हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट उसके टैक्सेस को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट कंसेशन दे रही है लोगों को आवाम को और प्रोड्यूसर्स को भी, तो ये क्या कहला रही है कि सब्सिडीज कहला रही है। यहाँ पर टू वेज की बात की थी, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स इन टू वेज दे हैव प्रोड्यूसर्स कंपीट अगेंस्ट फॉरेन इम्पोर्ट। ठीक है, वो क्या करते हैं इस तरह से जब गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर्स को जो है सब्सिडी देती है तो प्रोड्यूसर्स डिसेबल हो जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद के हाई प्रोडक्शन करें, इस तरह से वो कम्पीट कर सकते हैं फॉरेन इम्पोर्ट किए हुए गुड्स को, है ना,
और दूसरी चीज क्या है, सब्सिडीज हेल्प देम गेन एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना सिर्फ कि वो इम्पोर्ट को रोक सके अपने कंट्री में, बल्कि अपने कंट्री में से गुड्स एंड सर्विसेज इतनी ज्यादा प्रोड्यूस करें कि वो जो है एक्सपोर्ट भी कर सके उसको, ठीक है। इरम, हैव यू क्लियर टिल दिस पॉइंट ऑल द थिंग्स, और इफ यू हैव एनी क्वेरी? नो मिस, क्लियर है। ओके गुड। अब यहाँ पर हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, इंपोर्ट कोटा। कोटा क्या होता है, आपने लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब वगैरह आती है तो बोला जाता है भाई ये कोटा इतना कोटा जो है सिंध का है, इतना कोटा पंजाब का है, ठीक है। तो कोटा क्या होता है, कोटा एक नंबर लिमिट होती है, तो आपको कर दी जाती है लिमिटाइज करना किसी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्ट कोटा से मुराद ये है कि आप जो है क्वान्टिटी को जो है वो लिमिटाइज कर दो, कि अगर आप जो है फला प्रोडक्ट जो है अगर आप इम्पोर्ट करते हो तो उसका नंबर लिमिटेशन ये होगी। लेट सपोज अगर मैं आपको सेल फोन की बात करती हूँ, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई मैं गवर्नमेंट हूँ, गवर्नमेंट ने कहा कि जो सेल फोन होंगे बाहर ममालिक से जो इम्पोर्ट होंगे, गाड़ियाँ जो होंगी जो बाहर ममालिक से इम्पोर्ट होंगी, वो जस्ट जो है 1000 नंबर होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वान्टिटी जो है वो 1000 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा स्पीड ना, ठीक है। तो ये क्या है, इम्पोर्ट कोटा लगा दिया, ठीक है, कि भाई इससे ज़्यादा अगर होगी तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, बैरियर है और जो है पेनल्टी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंट्री को ये रिलैक्सेशन होगा कि हाँ भाई हम भी जो है वो सेलफोन और गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज के मंथली या ईयरली सिर्फ 1000 सेलफोन आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, और बाकी जो आवाम की डिमांड होगी वो हमारी प्रोडक्शन से फुलफिल होगी, ठीक है जी मिस। नाउ वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अ वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट इज अ रिस्ट्रिक्शन सेट बाय अ गवर्नमेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट को रिस्ट्रेंट करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ चावल, चीनी, आटा, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी होती चली जा रही है, ठीक है। तो हमारे क्यों महंगी हो रही है, हालांकि ये चीज़ तो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन बेटा रीज़न ये होता है यहाँ पर कि हमारे यहाँ जो है ना हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्सपोर्ट करना कर देते हैं, ठीक है। वो जब एक्सपोर्ट कर देते हैं तो कंट्री की पॉपुलेशन के लिए वो चीज़ बचती ही नहीं है, ठीक है। और फिर कंट्री के लिए जो है कंट्री की पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए फिर हमें दोबारा वो चीज़ इम्पोर्ट करवानी पड़ती है दूसरे कंट्री से, जिसकी वजह से हमें हाई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। जबकि हमारी कंट्री में चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो हमें वो चीज़ बहुत चीप क्वालिटी वो प्राइजेस में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो एक्सपोर्ट अगर रिस्ट्रेन कर दिया जाए, एक्सपोर्ट की एक लिमिट लगा दी जाए कि इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो हम इस चीज़ को से भी जो है बच सकते हैं कि हम हाई कॉस्ट बेयर करें उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि हमारे कंट्री में खुद प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लोकल कॉन्टेंट रिक्वायरमेंट। यहाँ लोकल कॉन्टेंट रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि इस ट्रेड पॉलिसी में ये कहा जाता है कि आप एक प्रोडक्ट को फुली नहीं बनाओ बल्कि हाफ बनाओ, या 75% यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए कि 75% प्रिपेयर करो, ठीक है। ये चीज़ क्यों होती है, ये चीज़ इसलिए होती है बेटा कि आप जो है कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स को इसमें बेनिफिट दे रहे होते हो, ना कि सिर्फ जो है आप कस्टमर्स के जो है कंज्यूमर्स के बेनिफिट से के लिए गवर्नमेंट काम कर रही होती है, बल्कि प्रोड्यूसर्स की भी कुछ बेनिफिट्स को देख रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि एक चीज़ जो है, जैसे अगर मैं इंजन्स की बात करूँ, लेट सपोज कोई कंट्री है जो कि जो है जापान की बात कर लूँ अगर मैं, कि वहाँ पर जो है इंजन का काम बहुत अच्छा होता है और वहाँ का इंजन जो है बहुत अच्छा होता है, इंस्टीड ऑफ इट के वो पूरी कार बहुत अच्छी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, उनके पास इतना टैलेंट नहीं है, वो इतने अच्छे इंजीनियर्स नहीं है, लेकिन उनका इंजन बहुत परफेक्ट होता है, ठीक है। तो उनकी गवर्नमेंट जो है उनको ये रिक्वायरमेंट दे सकती है कि भाई आपको जो है इंजन जो है वो इतने बनाने हैं, उसके बाद उसको आगे जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंजन में भी ट्रेड पॉलिसी दी जाती है कि ठीक है आप जो है आपकी कंट्री किसी चीज़ में पूरी होली जो है वो स्पेशलाइज नहीं है, बट उसका एक पर्टिकुलर थिंग है जो कि आप बहुत एफिशिएंटली बना सकते हो, तो यू मस्ट गो विद इट, ठीक है। उसके बाद आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या है ट्रेड पॉलिसी में, अब हमेशा याद रखना हमारे पास दो तरह की चीज़ होती है, कोई भी कंट्री हो उसके दो मोटिव होते हैं, एक ये होता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन
और दूसरा होता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, लिख लेना, एक्सपोर्ट प्रोमोशन एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, हर कंट्री की स्ट्रेटेजी होती है कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज को इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करे कि ना सिर्फ वो अपनी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट मीट कर सके बल्कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट करे, ठीक है। दूसरी बात है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सब्स्टिट्यूशन का वर्ड इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि लाइक अगर मैं पेप्सी की का सब्स्टिट्यूट बताऊँ तो कोको कोला है, ठीक है। फेंटा का जो है वो सब्स्टिट्यूट जो है वो मिरिंडा है, ठीक है। इसी तरह टी का सब्स्टिट्यूट जो है वो कॉफी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट आई थिंक यू हैव टू क्लियर अबाउट इट कि सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं। अब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी कंट्रीज को भी वो ऐसी इंडस्ट्रीज को भी सेटअप करे जो कि आप वो गुड्स एंड सर्विसेज क्योंकि इम्पोर्ट कर रहे हो वो आप इम्पोर्ट नहीं करो बल्कि आपके अपने कंट्री में वो चीज़ प्रोड्यूस हो सके और आप अपने इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सको अपने ओन कंट्री में वो चीज़ बनाकर, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो होती है इन दो चीज़ों पर काम कर रही होती है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि यानी आप इम्पोर्ट ना करो बल्कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो आप इम्पोर्ट कर रहे हो उनकी इंडस्ट्री अपने ओन कंट्री में सेटअप करो ताकि रिड्यूस करो इम्पोर्ट को और अपने लोकल कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, ठीक है। तो ये दो पॉलिसीज होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है और किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रीज़न और बहुत बड़ा रोल जो होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बेस करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेवेंथ आता है एंटी डंपिंग पॉलिसी, ठीक है। एंटी डंपिंग पॉलिसी मीटर वो पॉलिसीज होती हैं जिसमें डंपिंग का मतलब आपने सुना होगा ना यानी कि डंप कर दो फेंक दो इस तरह से, ठीक है। तो डंपिंग चीज वो चीज़ होती है कि आप अपने गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए आपने तो उसकी जो कॉस्ट आई है और आप इंटरनेशनल मार्केट में जब उसको बेच रहे हो तो आप उससे कम कॉस्ट में बेच रहे हो। लाइक लेट सपोज कि मैंने एक सेलफोन प्रिपेयर किया है और उसकी कॉस्ट आई है 20,000 रुपीज़ और मैं इंटरनेशनल मार्केट में उसको पाकिस्तानी करेंसी में ही 18,000 रुपये का अगर बेचूंगी तो इसका मतलब क्या है, मुझे तो लॉस हो रहा है, सही है। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ डंपिंग कहलाती है, ठीक है। डंपिंग जो एक्टिविटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की कि जब आप उसको प्रोड्यूस करते हो तो जितनी कॉस्ट लगी होती है उससे कम प्राइस में आप उसको बेचते हो, दिस वन इज कॉल्ड डंपिंग पॉलिसी। और एंटी डंपिंग पॉलिसी क्या होती है कि आप ऐसा ना करो, इस चीज़ के लिए पॉलिसी बनाई जाती है जो कि ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी जो है वो खत्म। अब जो है हमारे पास हम पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। एक चीज पूछना है, मिस ये जो मिस पीछे करें स्लाइड एक मिनट। और मिस ये जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, मिस ये जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी है ये हमारे और पूरे वर्ल्ड के सब सेम होंगे, हमारी कंट्री के और सब जगह के? डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री में किस चीज की ज्यादा नॉलेज है। अगर मैं एंटी डंपिंग पॉलिसी की बात करूँ तो जाहिर सी बात है चाइना में ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, कि एंटी डंपिंग वो डंपिंग पॉलिसी की जो है रिक्वायरमेंट हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज बहुत चीप प्राइसेस में, ठीक है। तो जब वो मार्केट में बेचते हैं तो उनकी उनको प्रॉफिट ही होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि उनकी जितनी कॉस्ट लगी होती है उससे वो कम में बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में बात करें तो क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा कम है, हमारे इकोनॉमी सब स्केल का मसला है। इकोनॉमी सब स्केल समझती है? यस मिस। इकोनॉमी सब स्केल समझ में आता है क्या वर्ड है, इसका मतलब पता है? यस मिस। यानी इसका मतलब ये होता है ना कि भाई आप जो है गुड्स और सर्विसेज इतनी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करो कि आपकी कॉस्ट कम से कम हो जाए। यस मिस। तो हमारे कंट्री में क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इतनी इंडस्ट्रीज ही नहीं है, सारे इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो हमारे यहाँ यूजुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हाई कॉस्ट के बनते हैं, ठीक है। और जब हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है वो चीज़ तो बहुत चीपली मिल रही है, तो फिर इस वजह से हमें क्या होता है, हमें उस चीज़ को बिलो कॉस्ट प्राइस जो है वो बेचना पड़ता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान मतलब एक्सेप्टेबल होगी, बट अगर मैं देखूँ तो चाइना के लिए देयर इज नो नीड ऑफ दिस पॉलिसी, ठीक है। मतलब बाकी बेसिक तो यही है ना सबके? क्या जी? बेसिक तो यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट जो है इस
इसके अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ट्रेड पॉलिसी के, बट इसमें से जो है हर कंट्री सिलेक्ट करता है कि हमें कौन सी वाली पॉलिसी अपनानी है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि सारी पॉलिसी भी अपना रहे होते हैं. ओके ओके मिस आगे समझ. अच्छा यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट की मैं बात करूंगी. होपफुली कि आप लोगों ने सुना हुआ होगा ये वर्ड कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है किसी भी कंट्री में. ठीक है, ट्रेड ट्रेड का वर्ड आपको बता दिया है कि भाई कोई चीज बाय और सेल करना, और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट हम इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग और पेमेंट होती है उसकी बात कर रहे होते हैं विद इन कंट्री. तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की मैं बात करूँ तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है, कि वो आई थिंक आसान होगी, मुझे 5 मिनट में एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद स्टार्ट करें. ओके मिस. ओके मिस. जी ओके बेटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है आपकी कंट्री में जो भी इंपोर्ट हो रहा है और जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है. ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस लेके जो अमाउंट आती है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है, कि ट्रेडिंग का क्या बैलेंस निकल रही है. सही, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि आपको ये देखना होता है कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल अमाउंट में, पॉजिटिव अमाउंट में, या फिर अनफेवरेबल है या नेगेटिव अमाउंट. ठीक है, वो किस तरह से देखते हैं कि जब भी आपका एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज होगा और एक्सीड होगा इंपोर्ट से. ठीक है, व्हेन योर एक्सपोर्ट एक्सीड योर इंपोर्ट सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल, एंड व्हेन योर इंपोर्ट एक्सीड योर एक्सपोर्ट then your balance of trade will be unfavorable. ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, वो अमाउंट जो कि हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की अमाउंट जो भी आई गई होती है उनको माइनस करके जो अमाउंट आती है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. और फेवरेबल उस वक्त होगा जब आपकी एक्सपोर्ट वाली अमाउंट ऑब्वियसली ज्यादा होगी इम्पोर्ट से, और बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल उस वक्त होगा जब आपकी इम्पोर्ट वाली अमाउंट ज्यादा होगी एक्सपोर्ट से. ठीक है, उसके बाद जो है लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके फाइन, वी विल डिस्कस इट आफ्टर लेटर. अ कंट्री दैट इंपोर्ट मोर गुड्स एंड सर्विसेज. ओके ठीक है, ये इन्होंने ये नहीं बता दिया, चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि जो कंट्री ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं और अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं. ठीक है, व्हाइल अ कंट्री दैट एक्सपोर्ट मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन इम्पोर्ट हैज अ ट्रेड सरप्लस. ठीक है, जिसे हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं. डू यू हैव क्लियर दिस? यस मिस. जी मिस. ओके, अच्छा एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में देखिए आप यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बताया हुआ है कि द एक्चुअल टोनेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड मेक्स अप द वॉल्यूम, हाउएवर सर्विसेज ट्रेडेड कैन नॉट बी मेजर्ड इन टोनेज, देयरफॉर द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसीडर्ड टू बी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि भाई आप जो है
टन, इसमें टोनेज जो है वो टन को कहा गया है, यानी केजी वगैरह टाइप की चीज होती है ना, उसी तरह से मेजरमेंट एक स्केल होता है टोनेज, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि भाई हम गुड्स को तो जो है वो मेजर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेजर द सर्विसेज, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई मैं जो उस प्याज खरीदने गई हूँ मार्केट में, तो मैंने 1 kg प्याज ली, तो मैं 1 kg प्याज को तो मैं जो हूँ वो मेजर कर सकती हूँ, बट मैं क्या उसकी सर्विस को मेजर कर सकती हूँ जो शॉपकीपर ने मुझे दिए? नो। तो उन दोनों की सर्विसेज को जो है, सर्विसेज और गुड्स को मेजर करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो उसका स्केल यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है इंटरनेशनल ट्रेड की। हिस्टोरिकली द डेवलपमेंट कंट्रीज ऑफ द प्रेजेंट यूज्ड टू एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स एक्सेट्रा विच वर एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। ये यहाँ पर क्या करते थे पहले, जब डेवलपमेंट जो कंट्रीज थे ना, डेवलप्ड कंट्रीज जो थे, वहाँ पर क्या होता था कि गुड्स और जो है गुड्स जो होते थे वैल्यूएबल गुड्स वो एक्सपोर्ट होते थे, ठीक है। और ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड स्टफ एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कॉलोनी, ठीक है। और उसके बाद 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने क्या किया कि गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करके, यानी कि नॉट ओनली इन द रॉ फॉर्म बट ऑल्सो बाय मैन, आफ्टर मैन्युफैक्चर इट दे एक्सपोर्ट इट टू द अनदर कंट्री, ठीक है। Europe and USA emerged as a major trade partner in the world and were leader in the trade of manufactured goods. Japan at that time was also the third important trading country, ठीक है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि यूरोप यूएसए तो पार्टनर चल रहे हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन जो जापान है, हमने काफी टाइम से ये सुना है कि भाई जापान के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो रिलायबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। तो इस तरह से जापान की जो इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स है ना वो उसकी इम्पोर्टिंग में जो है ना, और एक्सपोर्टिंग में सॉरी जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न अंडरवेंट अ ड्रास्टिक द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। यूरोप लॉस्ट इट्स कॉलोनीज व्हाइल इंडिया चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टिंग कम्पीटिंग विद अदर कंट्रीज, ठीक है। और आफ्टर 20th सेंचुरी के बाद कुछ इस तरह हुआ कि यूरोप, और मैं यूएसए की भी बात करूंगी, एक चीज मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर में जब हमारी फिजिकल क्लास की सनाजी आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें ये था कि भाई हम जो यूएसए का एक वो टाइम आया था कि ना सिर्फ कि वो इंडस्ट्रियल जो एज थी हमारी बुक में था, बल्कि वो इंडस्ट्रियल एज को उसने क्रॉस कर लिया था। लाइक एक तो ये था पहले यूएसए में कि इंडस्ट्री सेटअप होती थी, ठीक है, बेइंतहा इंडस्ट्रीज थी, लोगों को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती थी और लोग डिफरेंट कंट्री से यूएसए जाते थे फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज, ठीक है। लेकिन फिर एक लेवल ऐसा आया कि यूएसए के पास इतना पैसा हो गया कि उसने इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू नहीं की, उसने वहां पर वो स्टॉप कर दी, और अब वो जो है क्या करने लगा कि जापान से और डिफरेंट कंट्रीज से जो उनकी फैसिलिटी थी उन प्रोडक्ट्स को वहां से इंपोर्ट करने लगा, क्योंकि उनको ये फील हुआ कि हमारे पास पैसा बहुत है और वी डोंट हैव नीड टू सेटअप एनी इंडस्ट्री इन आवर ओन कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था हमारे पास कि जब उनकी ये सोच हुई यूरोपियन की और यूएसए की, तो उस वक्त क्या हुआ 20th सेंचुरी के बाद इनका पासा पलट गया और इंडिया चाइना और इस तरह की बांग्लादेश की भी एक डेवलपिंग कंट्रीज के तौर पर प्रमोट हो रहा है, और डिफरेंट कंट्रीज हैं जो कि अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एरा जो है फिर भी डिक्लाइन हो गया, और ये चाइना का तो जैसे आपको पता है कि चाइनीज प्रोडक्ट हर जगह बहुत ज्यादा इजिली और चीपली जो है अवेलेबल है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की बात की जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, ठीक है। कंपोजिशन क्या होते हैं ट्रेड के, तो वो नेचर देखता है कंपोजिशन के, भाई गुड्स किस तरह के, ठीक है। ट्रेड ऑफ प्राइमरी गुड्स वॉज डोमिनेंट इन द बिगनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी, लेटर मैन्युफैक्चर गुड्स गेन प्रोमिनेंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको नहीं बताया था कि और क्लास में बताया था कि फ्रांस जो थी ना, फ्रांस में जब सोशियोलॉजी आई थी उससे पहले जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो प्राइमरी गुड्स वो होते हैं, पहले लोग जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट प्राइमरी गुड्स को करते थे, प्राइमरी गुड्स के बाद रॉ मटेरियल्स को, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब
इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन आया उसके बाद लोगों ने गुड्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिए, ठीक है, और उसके बाद जो है मैन्युफैक्चर गुड्स की जगह जो है वो प्राइमरी गुड्स की जगह जो है मैन्युफैक्चर गुड्स ने ले, ठीक है। अब उसके बाद आज के दौर में जो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं। Currently, so the manufacturing sector commands the bulk of global trade. Services sector, which includes travel, transportation, and other commercial services, have been showing an upward trend. ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? जब हमारे पास industrial revolution आया, उसके बाद क्योंकि आपको पता है ये going concern वाली बात है, जो हमारी technology है वो बढ़ती चली जा रही है, तो जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन से निकलकर जब टेक्नोलॉजी की तरफ आए और उसका रेवोल्यूशन आया, तो आपने ये देखा कि सर्विसेज सेक्टर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की तरफ आ गए। अब इसको किस तरह मैं बता सकती हूँ, इस तरह बता सकती हूँ कि आपने देखा होगा कि काफी प्लांट्स और मशीनरीज और इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो कि हमारे कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होते या डिफरेंट कंट्रीज में प्रोड्यूस नहीं होते, हम उनको आउटसोर्स करते हैं, बाहर ममालिक से मंगवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हमें जरूरत है फॉर द कीपिंग पेस इन द करंट एरा, ठीक है। हमें जो है अपनी स्किल को और एफिशिएंट बनाने की और बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अमाउंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने की गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम जो है उन प्रोजेक्ट्स को, उन प्लांट्स को, उन इक्विपमेंट को मंगवाते हैं बाहर से, जो कि हमारे काम को बहुत फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन देयर इज द नीड ऑफ द सर्विसेज एज वेल, ठीक है। ना सिर्फ हमें प्लांट की जरूरत होती है बल्कि हमें उसके गाइडर की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, उस सर्विस को भी आउटसोर्स करते हैं, उस पर्सन को बुलाते हैं कि भाई हमें बताओ ये किस तरह से चलेगा, ठीक है, उससे हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हो रही है कि एक सर्विस जो है वो भी दूसरे कंट्री में जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है और एक कंट्री की रिक्वायरमेंट है वो उसको इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है, उस सर्विस को। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। और इसके अलावा आपने ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की बात की, आपने देखा है कि आपके रिलेटिव और आप लोग जो है जब आउट ऑफ कंट्री जाते हो और आते हो, तो जरूरी ही नहीं है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में ही आ जाओ, बल्कि जो डिफरेंट कंट्रीज की इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं, आप उनको भी जो है वो हायर करते हो और वहाँ उनके थ्रू भी जो है वो आते जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें ये पता चला कि भाई पहले तो प्राइमरी या रॉ मटेरियल जो थे गुड्स वो ट्रेड होते थे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया एंड देन वी वर गोइंग टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर गुड्स। और उसके बाद जो है जब टेक्नोलॉजी का एरा आया, तो उसके बाद हमने सर्विस सेक्टर को भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये जैसे टाइम आप होगा ना, तो मैं तुम लोगों को दूसरा लिंक दूंगी, सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, तो इरम आपको कोई आइडिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नो मिस, ये तो पहली बार सुना है वर्ड। अच्छा, और नाजी आपको? मिस, ये वो तो नहीं है जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम सर्विसेज दें ऑनलाइन? अच्छा, देखो तुम करीब पहुंच के दूर हो गए। अच्छा, देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉरेन मतलब बाहर के ममालिक, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि बाहर के ममालिक जो है ना आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, ठीक है। जैसे कि बाहर के ममालिक क्या करते हैं, भाई मल्टीनेशनल कंपनी हमारी कंट्री में ओपन हुई है, सही है, लेकिन वो है तो किसी और ममालिक की कंट्री है ना। आपने देखा होगा वो फाइजर एक मेडिसिन कंपनी, ठीक है, या फिर जो है नेस्ले, यूनिलीवर, ये तमाम कंपनी क्या है, ये फॉरेन कंट्री की, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमारे मुल्क में जो है उसकी कोई ना कोई फ्रेंचाइज या मल्टीनेशनल कंपनी ओपन की हुई है। तो उन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री में किसी इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि क्यों है मुझे इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि जब उन्होंने हमारे कंट्री में उस चीज़ को सेटअप किया तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट किसको दी, हमारे कंट्री के लोगों को दी, ठीक है। उस गुड्स और सर्विसेज को जब प्रोड्यूस किया तो उसकी फर्स्ट प्राइमरी टारगेट मार्केट कौन बनी, हमारे लोकल रेजिडेंट्स बने, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या हुआ कि ना सिर्फ हमारी पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट थी गुड्स और सर्विसेज की वो भी मिल गई उनको, बल्कि हमारे यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वो भी रिड्यूस हुआ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली, ठीक है। और इस तरह से हमारी जो है इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी अगर जो है हमारे कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस होगा, ठीक है। तो
तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है कि जो कि इंटरनेशनल मार्केट जो है आपकी लोकल कंट्री में जो है इन्वेस्टमेंट जब करती है। यहाँ पर हम इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि FDI इसका शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। तो FDI मीन्स एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी और अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टिंग दिस मनी इन अनदर कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इनकॉर्पोरेटेड, अनकॉर्पोरेटेड, इससे मुराद है कि एक सिंगल पर्सन जो है, मैं हूँ अलीबा फातिमा। ठीक है, मैंने जो है लाइक क्या ना चले मैंने जो है एक जिसे कहा जाए कि मैंने एक बुटीक जो है ओपन किया पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा बुटीक कितना अच्छा चला कि मैं जो हूँ एक इंडिविजुअल हूँ जो कि किसी इनकॉर्पोरेटेड या कॉर्पोरेटेड सेक्टर से बिलोंग नहीं करती, ना किसी गवर्नमेंट बॉडी से बिलोंग करती हूँ। बट फिर मैंने क्या किया, मेरा ओवरऑल पाकिस्तान मेरा जैसे मारिया भी है इस तरह के टाइप के लोग, तो इनका क्या हुआ, बुटीक बहुत अच्छा चल गया भाई। सही, तो इन्होंने क्या किया, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ की, दूसरे कंट्री में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री आउटलेट ओपन कर दिया। ठीक है, इस तरह क्या किया उन्होंने, दूसरे कंट्री में भी उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, ये कॉर्पोरेटिव सेक्टर, वो कंपनीज जो कि लिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनीज हैं, वो भी दूसरे कंट्री में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, गवर्नमेंट खुद भी इन्वेस्ट कर सकती है अनदर वन कंट्री में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि कोई भी हो, लाइक USA में एक पर्सन इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो, उनकी गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग हो, अगर वो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ पर कोई चीज़ सेटअप करें, दैट इज कॉल्ड कि वो यहाँ पर हमारे लिए वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, पाकिस्तानी लोगों के लिए वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन फॉरेनर्स ने हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पर कोई चीज़ जो है सेटअप की है। ठीक है, अच्छा, इंक्रीजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली यूज्ड एज अ इंडिकेटर ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। एज आई टोल्ड यू कि अगर जितनी ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी किसी भी कंट्री में, तो वहां पर इकोनॉमी भी ग्रो होगी। क्यों, किस तरह से होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज बहुत मजे की होती है, वो ये होती है कि जब फॉरेनर्स जब आपकी कंट्री में आके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बेटा, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपना वे ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये तमाम चीजें आपको लर्न करवाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी कंट्री के लोग जो होते हैं वो ट्रेन हो जाते हैं कि बाहर ममालिक में या वर्ल्ड वाइड जो है कोई कंपनी किस तरह से चलती है और वहाँ पर क्या क्या चीजें एडवांसमेंट में, टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज होगी, ये सब चीजें आपके पास अल्टीमेटली लर्न हो रही होती है। और इन दिस वे इफ यू वांट, सो यू कैन आल्सो इन्वेस्ट योर मनी इन योर लोकल कंट्री एंड यू कैन सेटअप योर एनी इंडस्ट्री इन योर कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ कि आपकी कंट्री के लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे रही होती है, बल्कि वो यहाँ पर आपको लर्निंग भी करवा रही होती है कि हाउ टू इंक्रीज योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कि अब अगर हमसे पूछा जाए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती कैसे है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती कैसे है, ठीक है, जिसने बताया कि भाई एक ममालिक, एक कंट्री है वो हमारे कंट्री में आकर जो है इन्वेस्टमेंट करता है, कोई चीज सेटअप करता है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन देयर आर फर्दर कैटेगरीज और काइंड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास तीन तरह के स्केल्स बने हुए हैं, बाय डायरेक्शन जिसमें इनवर्ड एंड आउटवर्ड है, बाय टारगेट जिसमें ग्रीन फील्ड, हॉरिजॉन्टल FDI एंड वर्टिकल FDI है, उसके बाद बाय मोटिव है जिसमें रिसोर्स सीकिंग, मार्केट सीकिंग एंड स्ट्रेटेजिक एसेट सीकिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की टाइप जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा। इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज द कैपिटल प्रोवाइडेड फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर लाइक कोका-कोला कंपनी रिजाइडिंग इन अ कंट्री टू दैट इकोनॉमी व्हिच इज रिजाइडिंग इन अनदर कंट्री। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी दी गई, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल डिसाइडेड टू, PNG जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है, डिसाइडेड टू ओपन अ फैक्ट्री इन पाकिस्तान, दे आर गोइंग टू नीड सम कैपिटल, द कैपिटल इज इनवर्ड FDI फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपकी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है,
यानी कोका कोला या प्रॉक्टर एंड गैम्बल या यूनिलीवर या नेस्ले कंपनी ने आपकी कंट्री में जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है और आपके यहाँ वो उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज ओपन की है, दैट इज कॉल्ड इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय अ डोमेस्टिक फर्म एस्टैब्लिशिंग अ फैसिलिटी अब्रॉड कंट्रास्ट विद आउटवर्ड एफडीआई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने एग्जांपल दी है कि मोबाइल वांट्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू फैसिलिटी इन यूएई, क्यों मोबाइल नीड्स कैपिटल टू एस्टैब्लिश न्यू फैसिलिटी इन यूएई, इट इज आउटवर्ड एफडीआई फॉर पाकिस्तान। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके कंट्री से पैसा जा रहा है किसी और कंट्री फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर फ्रेंचाइज। ठीक है, यानी क्यू मोबाइल की हमें बात की, क्यू मोबाइल इज अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और वो चाहते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डिफरेंट एरियाज में भी उनकी फ्रेंचाइजेस हो, वहाँ पर भी सेटअप हो उसका। तो ये जो पाकिस्तान के लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट यूएई में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपके पास से निकल के कहाँ जा रहा है, दूसरे कंट्री में जा रहा है। ठीक है, Now, two main, no, not merger acquisition, अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमने जैसे यहाँ पर पढ़ा था इसको by target, तो by target में क्या greenfield investment है and horizontal FDI and vertical FDI, ठीक है, तो यहाँ पर जो है greenfield investment is okay, but not merger and acquisition, it is horizontal and vertical FDI, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप greenfield investment क्या होती है, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एफडीआई वेयर अ पेरेंट कंपनी बिल्ड इट्स ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री फ्रॉम द ग्राउंड अप। ग्रीनफील्ड का एक्चुअली वर्ड जो है ना वो निकलता है स्टार्टअप से। ठीक है, आपने स्टार्टअप का वर्ड सुना होगा, एक होता है वो बिजनेस जो कि आप जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और एक आपका बिजनेस होता है जो कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये सेशन एंड होने वाला है, मैं आपको दोबारा रिज्वाइनिंग के लिए भेजती हूँ। ठीक है, ओके।